गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास ट्वेल्थ आपके सामने लेकर आए हुए हैं, ठीक है। और ये ट्वेल्थ का जो है क्वेश्चन है कंटिन्यूटी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ताकि जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही बच्चे इसको अच्छे से समझ जाएँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये क्या लिखा है, टू एक्स माइनस मॉड में एक्स लिखा है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। आपको ये प्रूव करना है, तो चलिए इसको लगाते हैं। लेकिन लगाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएँ। तो चलिए इसको लगाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आ जावे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को लगाना। देखिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि एक्स इक्वल टू जीरो लिखा है, तो चलो पहले फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर अब जीरो लिखता हूँ, पूरे भर में जीरो रख देता हूँ, तो क्या आएगा, टू इंटू जीरो और माइनस यहाँ भी जीरो रखेंगे तो फंक्शन आपका एफ जीरो पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे, एल एच एल चलो निकाला जाए। तो एल एच एल के लिए देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको करना क्या होता है। आपको यहाँ पर लिखना होता है लिमिट, आपको एक्स टेंस टू क्या लिखते हो, जिस पॉइंट पे निकालते हो, जैसे यहाँ पर एक्स बराबर जीरो पर निकालना है तो आप यहाँ पर लिखोगे एक्स टेंस टू जीरो। अगर एक्स इक्वल टू वन पर निकालना होता तो एक्स इक्वल टू वन लिखते, चूँकि एल एच एल है तो यहाँ पर माइनस लिखोगे, यहाँ पर आप एफ एक्स लिखोगे। यहाँ तक आपकी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे देखिए क्या होता है। ये लिमिट यहाँ पर देखिए एस टेंस टू, इसको जीरो बनाएंगे और तुरंत जो जीरो माइनस है वो यहाँ पर रख उठेगा, किसकी जगह, एक्स की जगह, लेकिन क्या रखा जाएगा, जीरो माइनस एच रखा जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये बन क्या जाएगा, लिमिट आपका एस टेंस टू जीरो है ये, इसमें सब जीरो से जब एच को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यार तो भाई आपका यही लिखोगे। अब चलिए वैल्यू उठा के यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं कि फंक्शन में रखते हैं, देखिए क्या होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो लिखा है, ये आपका ये भी लिखा है, तो जब यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू माइनस एच माइनस और ब्रेकेट में यहाँ पर देखिए मॉड में माइनस एच रख दिया। अब ये देखिए वैल्यू क्या आ रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो है ही है, यह आ जाएगा माइनस टू एच। और जब इसमें से बाहर देखिए, ये तो माइनस पहले से लगा है, लेकिन जब मॉड से बाहर निकलेगा तो माइनस के एच हो जाएगा। और इस प्रकार से जब यहाँ पर और आगे इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस टू एच माइनस ये आपका हो गया माइनस का थ्री एच, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे ये हो गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखोगे लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो क्या डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, क्या फ़ायदा है कि नहीं, अब ज़्यादा इसको बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, जहाँ पर एच है वहाँ पर जीरो रख देंगे, जैसे ही वैल्यू रखते हैं वैसे ही लिमिट क्या होता है, हट जाता है। तो कुल मिला के वैल्यू आपकी इस पर जीरो आ गई, ठीक है। आप देखिए आपका ये और ये दोनों सेम हो गया नहीं, एल एच एल आपका देखिए अब जीरो की वैल्यू भी जीरो है, एल एच एल की भी वैल्यू जीरो है, तो दोनों सेम हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक ये क्या है, कंटिन्यूअस सो हो रहा है। आगे चलिए देखिए आर एच एल की भी सेम आ जाए तो पूर्णतया कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब इसमें कोई शक नहीं रहेगा, ठीक है। अगर तीनों में से कोई एक भी आपस में इक्वल ना हुए तो यही जो है कंटिन्यूअस डिस्कंटी में बदल जाएगा तुरंत। तो चलिए जो है आर एच एल में क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर जीरो पे निकालना है ना एक्स बराबर, और यहाँ चूंकि आर एच एल है तो यहाँ पर प्लस लिख दोगे, ये आपका ऐसे लिखा गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, लिमिट अब यहाँ पर देखिए एक्स टेंस टू जो जीरो लिखा है वो एस टेंस टू जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, जीरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए प्लस एच हो जाएगा। अब इस चीज़ को देखिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट आपका हो गया एस टेंस टू जीरो, और यहाँ पर मैं इसको एफ एच लिख सकता हूँ कि नहीं। अब फिर से यही काम करेंगे, इस वैल्यू को चलो यहाँ पर रख दिया जाए, तो जब वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए टू एच माइनस मॉड में एच हो गया। और जब इसको हम बाहर निकालेंगे मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये टू एच तो है ही है, ये बाहर होकर के ये एच बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो, टू एच में से एच जाएगा तो एच बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर एच बचेगा, और जब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे इसकी तो ये जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला करके यहाँ पर क्या हुआ कि एफ जीरो की वैल्यू ये था, एल एच एल की वैल्यू आपका भी जीरो आया, आर एच एल की भी वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब सीधा सा है कि भैया आपका एल एच एल और एफ जीरो और ठीक आर एच एल तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल हो गए, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, कंटी
नूस हो जाएगा किस पर, एट एक्स इक्वल टू किस पर भाई, जीरो पर। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं भाई वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लिखेंगे ही, फिर यही एक लाइन आपका इंग्लिश में लिखा है तो आप इसको लिख देना एक्स बराबर देखिए जीरो पर एफ एक्स क्या है, सतत है। समझ में आ गया नहीं आ गया ये लिख दो कि। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी नए नए वीडियो बनाए जा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।